फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग इन श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठना तो था 5 बजे, 5:30 बजे, लेकिन जैसे किसी ने मुझे ना हाथ पकड़ के एकदम से उठा दिया हो कि उठ जा, सुबह हो गई है। तो उठ गई एकदम, और उठ के एक बार उठने के बाद तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती है। एक मिनट के लिए भी मैं दोबारा नहीं सो सकती। उठ के फिर मैं आई हूँ बाहर। बाहर आके मैंने जो शगुन होता है वो कर दिया है, अपना जो झाड़ू वाड़ू लगानी होती है किचन में वो कर दिया है, मंदिर खोल दिया है, और अभी मैंने अपनी बना ली है 1 कप चाय। तो उस चाय को पीते पीते मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ व्लॉग की। और चलो पहले नहीं, बाहर भी नहीं जाऊँगी क्योंकि ठंड है। दरवाज़ा बजेगा तो विनोद की आँख खुल जाएगी कि ये इतना सुबह सुबह उठ गई है, फिर ठंड लग जाएगी, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो डांट पड़ जाएगी मम्मी की विनोद की। तो इसलिए अभी गेट नहीं खोल रही हूँ मैं। तो चलो पहले बैठ के कर लेते हैं हम काम, और उसके बाद में मैं 6 बजे बाहर निकलूँगी बालकनी में, तब मैं आपको दिखाऊँगी कितना हसीन मौसम है। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है आजकल उठने में, क्योंकि जो ये फागुन मास होता है ना, इसमें जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठोगे और सुबह का विज़न देखोगे ना, तो इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। जो लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और वो लोग फिर बाहर घूमते हैं बालकनी में या पार्क में घूमने जाते हैं, उनको पता होता है कि सुबह का नज़ारा देखने वाला होता है। सोने वालों को क्या पता जो देर तक सोते हैं। मतलब मेरे पति देव भी ना 7:15 बजे सो के उठते हैं, तो उन्हें क्या पता कि सुबह 4 बजे उठने में क्या मज़ा है और सुबह 6 बजे बालकनी में घूमने में क्या मज़ा है। चलो अभी बैठ के कर लेती हूँ काम, मज़ी मजाक बहुत होगी। किचन में आके देखा तो पालक उबल तो गया, गैस भी बंद कर दी, लेकिन उबल उबल के उसकी कुकर की हालत ख़राब हो गई है भैया, बहुत ज़्यादा। पूरी हल्दी नमक जो डाला था ना, सब ओपन के आ गया बाहर। सारी टाइल्स वाइल्स सब गंदी कर दी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा साबुन लगेगा, साफ़ हो जाएगी। पहले अपना ना एडिटिंग वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में आऊँगी और तब जाके किचन का काम करूँगी। तो शोर भी नहीं होगा ज़्यादा, सब लोग सोते भी रहेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं आ गई हूँ बालकनी में थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ी फ्रेश एयर ले लेती हूँ। देखिए, सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि एक तो एयर बहुत फ्रेश होती है, मूड बहुत फ्रेश रहता है, और कहा जाता है कि हमेशा सूर्य देवता के उगने से पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अभी सुबह के 8:15 बजे हुए हैं, मैं नहाकर आई हूँ। नहा के आके मुझे एक खाली पेट वाला कैप्सूल खाना होता है, वो खाया है, और इसके बाद फिर एक कप पीऊँगी मैं चाय। तो ये आ गए लड्डू, और जय जय ओम हो चुकी है इनकी। मंथ में 2-3 दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ पीरियड्स की वजह से, तो विनोद ने ही अकेले पूजा की है। पीरियड्स में हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे जो भगवान होते हैं वो बड़े होते हैं, केवल एक बालक स्वरूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग करते हैं। तो हमें इन दिनों में अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो उन्हें मंदिर से अलग रखना चाहिए, और यहाँ पर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती है। तो मैं 2-3 दिन इनकी सेवा यहीं पे करती हूँ। ये पूजा करके विनोद वहाँ से मुझे यहाँ ला देते हैं, और उसके बाद फिर सारा दिन ये मेरे पास रहते हैं, फिर शाम को जाते हैं ये पूजा रूम के अंदर। कि छोनी छोनी बाबू है मेरी, बहुत सुंदर बाबू है, बहुत सुंदर शलाला है मेरा। लाला की सारे दिन की सेवा मैं यहीं पर करती रहती हूँ, क्योंकि वही भोग भी बनाती हूँ टाइम टू टाइम। भोग बनाने के बाद में भोग लगाया जाता है, और बाकी जो भी सेवाएं होती है, इनको आराम कराना है और इनको खिलाना है, इनके साथ में खेलना है, वो सब मैं यहीं पे करती हूँ सारी सेवा। बनाया है पालक पनीर, तो विनोद को तो बहुत टेस्टी लगा और वो लंच में बड़े खुश होकर लगे गए कि भाई पालक पनीर उनको तो पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को पालक पनीर पसंद नहीं है। पनीर की सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पालक पनीर इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल वाला जो साग है वो खा लेते हैं, ये हरा साग, लेकिन इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे नहीं पता है, कड़वा लगता है। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं ये लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं पालक पनीर कम बनाती हूँ, बहुत कम। तो बाकी मखनी पनीर ज़्यादा बनाती हूँ या शाही पनीर ज़्यादा बनाती हूँ। मटर पनीर भी खा ही लेते हैं ये लोग, लेकिन शाही पनीर और मखनी पनीर तो इनका दोनों का फेवरेट है, और चिली पनीर वही ज़्यादा बनाती हूँ। चिली पनीर आप ही खाती हो ज़्यादा, वरदान कम खाता है, तो इसीलिए मखनी पनीर हाँ और शाही पनीर ये ही मैक्सिमम टाइम बनता है घर में। चलो भैया, आज पालक पनीर बना के कर दी गलती, आगे से नहीं बनाएंगे। लड़का हमारा नहीं खाएगा खाना आज, इसको हमें कुछ और खिलाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये।
अगर मैं प्यार से इसे खिलाऊंगी तो एक दो पराठा तो ये कैची लेगा पालक पनीर के साथ भी। अब देखो इन दोनों की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे कि मम्मा ने जो बनाया है वो हमको खाना नहीं है, तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ये देखो वरदान को ना, मतलब इशारों इशारों में आपस में एक दूसरे से बात होती रहती है, मेरे तक बात नहीं पहुँचने दे रहे कि ये क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। मुझे तो सख्ते में डाला हुआ है इन्होंने, और लड्डू के साथ भी कान में जाके कुछ भी बोल देते हैं। लड्डू से प्लानिंग कर रहे हैं ये कि लड्डू हमें ये खाना है, बताओ ये चीज़ कैसे होनी है। अब देखो ये लोग भैया तीनों मिल के पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। परी तो शायद तैयार भी हो रही है कुछ बाल वाल बना के, कहीं जाने के लिए नहीं पता कहाँ जा रही है, या तो ये खेल रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। नानी को देखो दवा लेने के लिए उठी थी अपनी और वहाँ पर पेपर मिल गए, उनको ही पढ़ने लग गई। तो आज मैंने ना दोपहर टाइम में एक दो घंटे रेस्ट किया, दवा खाई और फिर रेस्ट कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा सर रेस्ट मिला। अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने देखा तो फिर नानी और परी पूजा कर रही हैं मंदिर में, और पूजा कर लेंगे ये लोग तो फिर हम पियेंगे चाय। और वरदान और परी बोल रहे हैं शेक पीने के लिए कि ओरियो शेक पीना, तो इन लोगों के लिए मैं बना दूंगी ओरियो शेक। तो मैंने देखा कि ताज़ा दूध भी रखा हुआ था, तो चलो अभी ओरियो शेक बना ही देती हूँ, इतने नानी और परी आएंगी। मेरा जो बड़ा वाला जार है ना मिक्सी का, वो काफ़ी देर से ख़राब है, तो मैंने छोटे वाला जो जार था बिल्कुल चटनी वाला उसी में इनको ओरियो शेक बना के दिया है आज। और अभी तो गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, तो मैंने आज शुरुआत कर दी कि चलो कोई बात नहीं शेक देना शुरू करती हूँ बच्चों को, कुछ भी जाए जो, मैं कोई ज़रूरी नहीं है अभी कि गर्म दूध ही दिया जाए, अभी थोड़ा ठंडा पीने का मन करता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं दे रही हूँ कि मैं आइस वाइस डाल के दे रही हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल ही है, बट देना शुरू कर दिया, जब जैसा अच्छा लगे तब खा लेना चाहिए। तो अभी शाम भी हो गई तो विनोद भी आ गए ऑफिस से, लाला के कपड़े भी चेंज कर दिए, अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी। फ्रेंड्स हमने टीवी भी देख लिया और डिनर भी कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। मैंने आज मम्मा से बोला कि मम्मा आज व्लॉग की एंडिंग मैं करूँगा, इसलिए होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर देना, और उस घंटे को भी दबा देना जिसके हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच रहे, और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, राधे राधे, श्री हरदास, बाय।